श्री कृष्ण भजन देव की जय। यहाँ पे वगैरह हनुमान जी का जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल है और बहुत ही गाइस लोग आते हैं यहाँ पे दूर दूर से, मतलब आसपास के गांव से सभी लोग गाइस चल के आते हैं यहाँ पर। यही वो जगह है जहाँ गाइस हम बैठ के गाजर का हलवा खाया करते थे। एक और टेम्पल जा रहे हैं हम, सोमेश्वर महादेव टेम्पल। थैंक यू काका, बिग थैंक यू काका, बिग थैंक यू, बिग थैंक यू। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह 7 बजे हमेशा की तरह, एंड मैं जा रहा हूँ महादेव टेम्पल हमेशा की तरह। तो गाइस चलते हैं, एंड ये लड़का गाइस बैठा हुआ है हमेशा की तरह, ये भी हमेशा की तरह गंदी हो गई है तो साफ कर देते हैं हमेशा की तरह। झाड़ू लगा रहे सुबह सुबह हमेशा की तरह, एंड बाहर निकालते हैं अपनी बाइक हमेशा की तरह। इसको चलते हैं, जा ही रहा था बट रुक गया, थोड़ा आगे निकला और मुझे ये दिख गया भाई, कितना प्यारा है लड़का। हेलो बछड़े, हेलो हेलो, कैसे हो भाई, कितना छोटा और प्यारा है, सफ़ेद सफ़ेद। मैं आके मिलता हूँ, पहले महादेव टेम्पल चलते हैं फिर आके मिलते हैं गाइस इस बछड़े से। मस्त, क्या क्यूट लग रहा है, चलते हैं फिलहाल और फिर मिलते हैं बछड़े से। कहीं ले मत जाना उसे, कहीं कहीं ले जा रहा है उसे। तो गाइस यार कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ये चेक करो क्या कलरफुल मस्त बादल हो रहे हैं। हाँ कैमरे काफी प्यारे हो रहे हैं। सनराइज, सनराइज कहाँ गया, सन कहाँ गया भाई, दिख ही नहीं रहा, गलत चीन हो गया। गाइस फाइनली पहुंच गए थे, एंड यहाँ से गाइस पहले कनेर के पुष्प मस्त ले लेते हैं। यहाँ से एक तो मिल गया, हमारी मॉर्निंग रोज ऐसी ही होती है, पीसफुल एकदम मस्त। तो चलते गाइस फिलहाल महादेव टेम्पल, भूतनाथ महादेव टेम्पल। फाइनली कनेर के पुष्प ले लिए है हमने, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई वो चेक करें गाइस, सनराइज हो गया है, सनराइज फाइनली गाइस, फाइनली हो गया सनराइज। कितना प्यारा लग रहा है भाई, बट मेरे फोन के कैमरा की क्वालिटी बकवास भाई, क्या मस्त लग रहा है रियल में। चलते यार, मम्मी ने जल्दी आने को कहा है बिकॉज आज है हमारे घर गोहिणी, तो मम्मी को सब तैयारी करनी है। तो मम्मी कह रही थी जल्दी चाय नाश्ता करके फिर जल्दी काम करने लगती हूँ, तो जल्दी आना घर, ऐसा कहा मम्मी ने। फटाफट चलते यार, तो चलते दोस्तों गोहिणी, मतलब गाइस कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। फिलहाल तो मस्त मस्त पूजा कर लेते पहले, शिव पूजा यार। भाई जब आज गाइस ठंडी इतनी ज़्यादा है नहीं, कम ही है, कल ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम है कल से। जय भोलेनाथ, जय भूतनाथ महादेव। फाइनली हो गई थी मस्त शिव पूजा, अब चलते हैं गाइस कर पीस पीस एंड पीस। चलते गाइस लेट्स गो बाइक। यार फाइनली पहुंच गए कर हम, पता नहीं मेरे बाल ऐसे क्यों हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं ना पवन में। यार लेट हो गया थोड़ा, मम्मी को लेकर आ गए थे घर बाजार से, एंड मम्मी अभी फिलहाल काम में बिजी है थोड़ी, एंड दादी दादा क्या कर रहे हैं, दादा हमेशा की तरह अखबार ही पढ़ रहे होते हैं, अखबार अखबार आज की ताज़ा खबर, और दादी सब्जी काट रहे हैं।
ओके सो गाइस, अभी का सीन फिलहाल मैं गया था फुलवाड़ी लेने मस्त, एंड आज है गाइस गुआनी, तो सब लोग आ गए वैसे, बड़ी मम्मी और सब, और काना भी आ गया है। काना क्या कर रहा है तू लड़के? सो गाइस, यहाँ पे मस्त लापसी बन रही है, ममता बा बना रहा है, एंड ये लड़का मुझे अंदर ले जा रहा है, पता नहीं भाई वो बिल्ला खा जाएगा सब कुछ। एंड बड़ी मम्मी और मम्मी दोनों पूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये लड़का, भाई तुझे क्यों इतना पसंद है बिल्ला? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है बिल्ला, इसको निकल कर बाहर नहीं मिलेगा आज तो, तुझे खाने को मिलेगा ही नहीं। गाइस, हम जब भी खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इसमें मुंह मारता है ये लड़का, अंदर मुंह डाल देता है। इतना मारूंगा ना बिल्ले तुझे तो मैं। बिल्ले चॉकलेट खानी लड़के को, खा रहा है चॉकलेट खाना दादा के पास है, दादा रखते ही है गाइस, दादा छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट रखते ही है। डॉगी, अरे डोंकी, डॉगी नहीं डोंकी, डॉगी हाँ डोंकी, डोंकी बावड़िया खा काटा हो रहा, भूख लग गया उसे भाई। गाइस, हमारे बाइक का अभी हॉर्न फिलहाल बंद हो गया था, तो दादा ठीक करे, दादा गाइस पहले से ही ऐसे ही है, खुद से ही सब ठीक कर देता है, कुछ भी खराबी हो तो सब खोल के बैठ जाते हैं और ठीक कर देते हैं दादा, है ना। मेरी साइकिल भी दादा ही ठीक करते थे, और बाइक भी और स्कूटर भी इनका, वो खुद से ही बस सब ठीक करते हैं, मतलब दादा गाइस सब कुछ आता है, ऑलराउंडर है दादा, ये छोटा मैकेनिक है, छोटा मैकेनिक। फिर से क्यूट आ गया, फिर से क्यूट डोंकी आ गया, फिर से क्यूट डोंकी आ गया, भाई क्या मस्त लग रहा है, हेलो क्यूटी, भाई मारेगा भाई, पहले गोइनी को खाना है। ओए कानू, ओ कानू, एक गोइना बैठ गया गाइस, गोइना, ये सब गोइनी आ गई है गाइस, बैठ गए सभी लोग खाना खा रहे हैं फिलहाल, तो फाइनली सब गोइनी ने खाना खा लिया था। अब गाइस हमारी बारी, अब सब बड़े बड़े लोग, मतलब मैं तो छोटा हूँ, ये सब बड़े बड़े लोग तो खा ले गाइस मस्त खाना, आज बनाया मस्त आलू की भाजी, पूरी है, लापसी है, सलाद है, दाल है, एंड फुलवरी और पापड़ भी है गाइस, तो खा लेते मस्त खाना फिलहाल, टेस्टी टेस्टी। दोबारा बछड़ा फिर से आ गया, लो लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस अभी हम लोगों ने प्लान बनाया गाइस, हम सब सोसाइटी वाले, मतलब जो गाइस हम गाइस और हमारे अगल बगल वाले, मतलब गाइस जो सोसाइटी वाले कहते हैं, हम यहाँ गाँव में हम कहते हैं वास वाले, ये पूरा इलाका है हमारा, वो कहते हैं गाइस हम वास, तो गाइज हम सब वास वाले मिलके हम लोग जा रहे हैं गाइज, थोड़े 4-5 किलोमीटर दूर एक टेंपल है हनुमान जी का, मस्त मंदिर है गाइज हनुमान जी का, 4-5 किलोमीटर दूर वगाड़ा गांव, तो गाइज हम लोग वहां जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं गाइज ये ट्रैवलर लेके, ये ट्रैवलर है हमारे बगल में एक अंकल जी रहते हैं उनकी है, तो हाँ वही ले जा रहा है सभी को, सभी वास वाले को, मतलब सब सोसाइटी वाले आप कहते होंगे वही। और ये लड़का, भाई क्या कर रहा है तू, बाइक लेके जाना है तुझे, बाइक गिर जाएगा। दोपहर का थोड़ा आराम कर लिया, बिकॉज थक गया था और नींद आ रही थी गाइस पार्क टूर करके, तो थोड़ा सो गया एक घंटा। एंड दादी भी आ रहा है फाइनली, तो चल रहे गाइस हम। ओके सो गाइस, आ गए फाइनली सभी लोग, टाटा, वहीं आ रहो, ओके वहीं आओ, तो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। फाइनली सब लोग आ गए हैं, एंड मैं उतर गया था बिकॉज मुझे आगे बैठना था। तो गाइस फाइनली सब लोग आ गए, तो चल रहे फाइनली, चलते गाइस सभी लोग आ गए हमारे पास के सभी लोग, गाइस चलते हैं श्री कृष्ण भंजन देव हनुमान दादा के टेंपल, आगे से दो और लोग आ रहे हैं, हेलो श्री कृष्ण भंजन देव की जय। हनुमान जी के टेम्पल वगैरह, लेट्स गो, चलते हैं फाइनली सभी लोग।
रिक्शा वालों हमारे गांव से वकाड़ा जो हनुमान जी का टेम्पल है गाइस वो 7 से 8 किलोमीटर होता है। तो ट्रैवलर्स में एंड गाइस हमारे बाजू में फाइनली आ गए ट्रैवलर्स के मालिक। तो गाइस इनकी है ट्रैवलर्स और सर है फाइनली सभी लोग। वैसे पीछे गाइस हनुमान चालीसा अभी चालू ही है, हनुमान चालीसा बोलते बोलते जा रहे गाइस सभी लोग। क्या मस्त वाइब आ रही है, अलग ही वाइब है गाइस, अलग ही मजा है गाइस, सब लोग साथ में जाने का गाइस अलग ही मजा है। ये चेक करो सब लोग चल के जाते हैं गाइस 7-8 किलोमीटर दूर वगैरह मंदिर हनुमान जी के। फाइनली गाइस वगैरह गांव में एंटर कर चुके हैं हम। फाइनली हम लोग पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर गाइस, श्री वगैरह हनुमान जी के मंदिर सामने ये गाइस आ गई। तो चलते हैं आगे चल के, वैसे यहाँ पे हमने पार्क गाइस यहाँ पे पार्किंग करना है हमें, तो यहाँ पे पार्क करके फिर चलते हैं आगे मंदिर है मस्त तैयार। तू क्यों उतर गया? नहीं उतरना था भाई, लड़के उतर गए। आना है मंदिर, आना है मंदिर। दादी भी आ गए गाइस, फाइनली सब लोग उतर गए एंड चल रहे हैं गाइस टेम्पल। एंड दादी कितने सालों बाद आए पूछते हैं, दादी केला वर्ष आया केला वर्ष गाइस। फाइनली हनुमान जी का मंदिर मस्त, कष्ट भंजन देव का मंदिर है यहाँ पे गाइस वगैरह में, करते मस्त दर्शन अंदर जाके लेट्स गो। फाइनली गाइस वी रीच हनुमान जी के मंदिर फाइनली। मजा आ गया तो यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के पास में महादेव का मंदिर है, तो मस्त दर्शन कर लेते हैं यहाँ भी। फाइनली मस्त दर्शन हो गए थे हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के। तो अब गाइस चल रहे, वैसे सब लोग गाइस पता नहीं आगे कहाँ चले गए, हम बहन और हम पीछे रह गए। वैसे तो चलते गए हमारी ट्रैवलर्स पे, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए यार, सब लोग अलग अलग हो गए यार। यहाँ पे वगैरह हनुमान जी का जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल है और बहुत ही गए लोग आते हैं यहाँ पे दूर दूर से, मतलब आसपास के गांव से सभी लोग गए चल के आते हैं यहाँ पर। और दूर से जो लोग आते हैं वो गए गाड़ियाँ वगैरह लेकर आते हैं, हम तो ट्रैवलर्स में आए गए, वरना चल के आना में भी गए एक अलग ही मजा है। चल रहा है फाइनली मिल गई हमारी ट्रैवल्स, यहाँ पे पार्क कर दी एंड सनसेट मस्त हो रहा है फाइनली। तो चल रहा है फाइनली हम, ओके सो गाइस चलते हैं लेट्स गो। चल रहा है फाइनली बुद्ध भवानी माँ के टेम्पल। गाइज हम लोग बचपन में जब गाइज छोटे थे स्कूल में तब गाइज चल के आते थे हम, तो तब का गाइज कितना टाइम हो गया, वो तो बहुत ही टाइम गाइज लगभग
पांचवी छठी कक्षा में हम लोग पढ़ते थे तभी आता था यहाँ पर। तो इतने साल हो गए गाइस, अभी तो मैं एम कॉम कर रहा हूँ कॉलेज। भाई कितने साल हो गए? दस साल ऊपर हो गया भाई। यहाँ पर खेलने को मस्त बगीचा भी है। हमारे टाइम पे पता नहीं था कि नहीं, मुझे तो याद भी नहीं गाइस कि हमारे टाइम पे जब हम लोग आते थे तब था कि नहीं उस वक्त। गाइस अच्छी सुविधा है वैसे। कितने सालों बाद गाइस मैं आ रहा हूँ, सब भूल गया मैं तो, क्या था क्या नहीं। हाँ भाई, और सब लोग अभी जस्ट उतर ही रहे हैं भाई। फाइनली दादी को आज मजा आ गया गाइस। कितने समय बाद दादी बाहर निकले। हाँ दादी खुश लग रहे हैं आज, बहुत टाइम बाद दादी निकले बाहर। तो फाइनली दर्शन हो जाएंगे, हनुमान जी के भी दर्शन हो गए, तो अब बुद्ध भवानी माँ के भी दर्शन मस्त कर लेते हैं दादी के साथ। फाइनली मैं भी कितने साल बाद आया यहाँ पर। दादी तो बहुत सालों बाद आए होंगे, बिकॉज कई बाहर ही नहीं निकलते दादी हमारे। डबला प्रवास गाइज, डबला प्रवास। हमें जो गाइज, मतलब हम स्कूल में थे जो प्रवास आते थे गाइज यहाँ पे चल के, उसका नाम था गाइज डबला प्रवास। ऐसा अजीब सा नाम था वैसे, डबला प्रवास आते थे हम चल के यहाँ पर। एक दिन का प्रोग्राम होता था, चल के आने का, चल के जाने का, 5-6 किलोमीटर भाई। जय बुद्ध भवानी माँ। यही वो जगह है जहाँ गाइज हम बैठ के गाजर का हलवा खाया करते थे। हाँ गाइज, मैं और मेरा फ्रेंड गाइज डब्बे में मस्त पैक करके लाते थे खाना, और गाइज मस्त गाजर का हलवा खाया करते थे यहाँ पर बैठ के गाइज। और मस्त तालाब है यहाँ से, यहाँ पर मतलब छोटा सा एक तालाब है गाइज। वो मस्त क्या ही दिन थे भाई, एंजॉय करते थे मस्त दिन गाइज, वो अलग ही दिन थे भाई। वो हम यहाँ पर खेला करते थे गाइज पूरे दिन, और सुबह आते थे और शाम को चलते थे। और हाँ गाइज, आज का सनसेट प्यारा हो रहा है यहाँ से मस्त, पुरानी यादों के साथ। हाँ, क्या ही दिन थे भाई वो। जय माँ बुद्ध भवानी माँ, मिलते हैं फिर। फाइनली गाइज, मस्त बचपन की थोड़ी सी जो यादें थी मस्त हम अपने कैमरे में कैद कर लिए। कितने टाइम बाद में आया, तो गाइज अलग ही मजा था गाइज उस टाइम पे। गोल्डन दिन थे वो, गोल्डन दिन कह सकते गाइज, वो हमारे जिंदगी के गोल्डन दिन थे, मतलब गोल्डन टाइम था गाइस। अभी ऐसा मजा रहा नहीं वैसे, चलते बिना बकवास के यार। गाइस ब्लॉगर हमेशा पीछे क्यों रह जाता है? गाइस मस्त दर्शन हो गए थे, तो सर अब गाइस सीधा कर फाइनली। हां सोमेश्वर दर्शन थे जाएगा। बोलो बुद्ध भवानी मात की जय। एक और टेंपल जा रहे हैं हम, सोमेश्वर महादेव टेंपल। काका की दया है, काका की दया गाइस। काका गाइस हमें आज सभी जगह घुमाने ले जा रहे हैं, मतलब सभी टेम्पल रास्ते में जितने भी टेम्पल आए हुए गाइस, काका हमें घुमाने ले जा रहे हैं, दर्शन करने मस्त ले जा रहे हैं। थैंक यू काका, बिग थैंक यू काका, बिग थैंक यू, बिग थैंक यू। हां थैंक यू ना दर्शन में। फाइनली गाइस पहुंच गए मस्त सोमेश्वर महादेव टेम्पल, कल तो मस्त दर्शन महादेव के। आज तो दादी को मजा आया गाइस फाइनली। जय भोलेनाथ।
क्या मस्त लिखा हुआ है गाइस, मस्त। भाई बच्चों को मजा आ गया, बच्चे यहाँ से आ ही नहीं रहे भाई, मस्त है। फाइनली गाइस बचपन की याद दिलाता है ये गेट, बचपन की। पहुंच गए फाइनली, हर हर महादेव। हर कृष्ण के बाय बाय। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे मस्त दर्शन करके घर गाइस। पहले गए हनुमान टेम्पल, वहाँ पे गाइस हनुमान जी के मस्त दर्शन किए, फिर गए गाइस बुद्ध भवानी माँ के मंदिर गाइस, वहाँ पे बचपन की मस्त यादें ताज़ा कर ली और दर्शन भी हो गए बुद्ध भवानी माँ के। एंड गाइस फिर गए हम सोमेश्वर महादेव टेम्पल, तो गाइस वहाँ पर भी गाइस मस्त दर्शन किए महादेव के, और फिर गाइस हम लोग आ गए घर। काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप रही हमारी, मज़ा आ गया सबके साथ जाके गाइस, सब मोहल्ले वाले इकट्ठा होके गए हम कितने टाइम बाद गाइस, मज़ा आ गया फाइनली, बहुत ही मज़ा आ गया फाइनली। ऐसे जाते रहना चाहिए यार, ऐसी ट्रिप करते रहने चाहिए, मतलब सब इकट्ठा होके गाइस ऐसी ट्रिप करनी चाहिए, एक मेमोरी बन जाती है, अच्छा लगता है मतलब सबके साथ गाइस से। गाइस फाइनली मम्मी ने खाना हमारा मस्त रेडी कर दिया, तो खाना खा लेते हैं, लेट्स गो। तो आज बनाया गाइस मम्मी ने मस्त मसाला खिचड़ी, तो खा लेते हैं मस्त खाना, सिंपल खाना। ओके सो गाइस फाइनली मस्त खाना पीना हमारा हो गया था। एंड गाइस बीस वाले ब्लॉग को फिलहाल यहीं पे करते हैं एंड, वरना लंबा हो जाएगा थोड़ा। सो आज गाइस मस्त हमारी मेमोरेबल ट्रिप रही, काफ़ी यादगार गाइस, काफ़ी मज़ेदार ट्रिप रही, एडवेंचर से भरी। तो आई होप गाइस आपको भी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में यार, थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय।